अयोध्या की खुशी वाड़ी में शिव सैनिकों ने मनाई। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। इसकी खुशी में वाड़ी में काटोल रोड स्थित बाला साहब ठाकरे चौक पर शिवसेना, युवा सेना, व्यापारी सेना, शिव महातुक सेना ने अयोध्या की खुशी मनाई। इस मौके पर श्री राम प्रभु, शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। 500 साल बाद राम जी का मंदिर साकार हो रहा है। बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा होने का आनंद शिव सैनिकों ने मनाया। यह बात युवा सेना जिला प्रमुख हर्षल काकड़े ने कार्यक्रम के दौरान कही। इस आंदोलन में शहीद हुए राम भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ढोल ताशे व फटाके की आतिशबाजी की गई। इसमें सभी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। श्री राम के नारों से वाड़ी गूंज उठी। दिन भर त्योहार जैसा माहौल बना रहा। इस मौके पर युवा सेना जिला अध्यक्ष हर्षल काकड़े, संतोष केचे, विजय मिश्रा, क्रांति सिंह, अजय चौधरी, हरीश हिरणवार, विलास भोंगड़े व अन्य शिव सैनिक उपस्थित थे। आज संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येक हिंदुत्व धर्मावर प्रेम करणाऱ्या व प्रत्येक हिंदुत्ववादी माणसाच्या हृदयामध्ये आज जो आनंदाचा क्षण आलेला आहे त्याचं मी सर्व हिंदूंचाला मी शुभेच्छा देतो। आज 500 वर्ष जुना इतिहास ज्याला प्रत्येक हिंदुत्ववादी संघटनेनी आपल्या रक्ताच्या बलिदानाने त्या राम अयोध्येमध्ये राम मंदिराचं जे आज भूमिपूजन होत आहे त्याच्यासाठी संघर्ष केला व योगदान केलं, त्या सर्व येणाऱ्या जेवढ्या पण आमच्या हिंदुत्ववादी संघटना आहे त्यांचा आज आनंदाचा दिवस आहे। आज पहिल्यांदा गेल्या काही वर्षापासून इतिहासामध्ये दिवाळीच्या अगोदरच प्रत्येक चौकात, प्रत्येक देशातल्या प्रत्येक चौकात व प्रत्येक हिंदवी संघटनेनी आज दिवाळीसारखा सण आज पुन्हा एकदा साजरा करणार आहे। त्यामुळे आम्हीसुद्धा माननीय श्री संतोषभाऊ केचे यांच्या नेतृत्वामध्ये बाळासाहेब ठाकरे हिंदुहृदय सम्राट चौक वाडी येथे संपूर्ण शिवसेना, युवासेना, वाहतूक सेना या संपूर्ण संघटनेनी आज इथे सर्वांनी जमा होऊन माननीय बाळासाहेब ठाकरे व प्रभू श्री रामचंद्र यांच्या प्रतिमेचे मालार्पण करून व पूजा करून आम्ही सर्वांनी आजचा हा सण शिवसेना नागपूर जिल्ह्यातर्फे वाडी येथे श्रीराम जन्म जन्मभूमीच्या भूमी शिलान्यासच्या कार्यक्रमाच्या उपलक्ष्यमध्ये वाडी शिवसेना, युवासेना आणि समस्त संघटनेतर्फे वाडीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं जे स्वप्न होतं ते आज खरोखर पूर्ण झालं आहे। त्यामुळे हा आनंद उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। इतने सालों बाद आदरणीय बाळासाहेब का स्वप्न जो आज अयोध्या में साकार होने जा रहा है कि राम मंदिर की शिलान्यास की नींव रखी जा रही है, उसके उपलक्ष्य में समस्त शिव सैनिक बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में वाड़ी शिवसेना, युवा सेना, वाहतूक सेना सभी ने मिलकर आज यहाँ बाला साहेब ठाकरे चौक पर श्री राम जी की पूजा अर्चना की और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए एक छोटा सा हर्षल भाव की तरफ से कार्यक्रम रखा गया जिसमें समस्त शिव सैनिक उपस्थित रहे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। हम बोले तो वाड़ी नगरवासी हिंदू भाई, मुस्लिम सब धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। और जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा इसके लिए हमको कोई ये नहीं है और ये झगड़ा जो है हरदम का ख़त्म हो गया, इसके लिए हम खुशी जाहिर करते हैं। NBC News के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।